हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट पैरासाइट जियार्डिया लैम्बडिया। जियार्डिया लैम्बडिया ए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कहाँ से बिलोंग करता है, डिप्लोमोनिडिया एंड जीनस है इसका जियार्डिया। इट कॉलोनाइज एंड रिप्रोड्यूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी कॉलोनीज कहाँ पर रिप्रोड्यूस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। कॉजिंग जियार्डियासिस, कौन सी डिजीज को कॉज करता है, जियार्डियासिस को। द जियार्डिया लैम्बडिया ऑर्गेनिज्म अटैच टू द एपिथेलियम। हमारा जियार्डिया लैम्बडिया ऑर्गेनिज्म है कहाँ पर अटैच होता है, एपिथेलियम में, बाय ए वेंट्रल एडहेसिव डिस्क एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, जिसमें दो से चार, चार से आठ, उसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं हम। और जियार्डियासिस डज नॉट स्प्रेड विया द ब्लड स्ट्रीम एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या है जियार्डियासिस होते हैं, वो कहाँ पर स्प्रेड नहीं होते ब्लड स्ट्रीम में, और कहाँ पर नहीं होते अदर पार्ट्स ऑफ जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहाँ पे भी, उसके भी अदर पार्ट्स में। जियार्डिया इन्फेक्शन रिमेन्स कन्फाइंड टू द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे इन्फेक्शन को रिमेन करते हैं, ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जियार्डिया ट्रोफोसाइट्स आर एनएरोबिक एंड अब्सॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जियार्डिया ट्रोफोसाइट्स कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, और ये क्या कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, ल्यूमन से, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। जियार्डिया इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू इंजेक्शन ऑफ डोरमेंट सिस्ट इज कंटामिनेटेड वाटर। जियार्डिया इन्फेक्शन कहाँ से अकर होता है, इंजेक्शन से, इसकी जो डोरमेंट सिस्टम है वो कहाँ पे कंटामिनेट होती है, वाटर में, फूड में, बाय द फिकल ओरल रूट। द जियार्डिया सिस्ट्स कैन सर्वाइव फॉर वीक्स टू मंथ इन वाटर। जो जियार्डिया की सिस्ट होते हैं वो सर्वाइव करती है वीक्स से भी और मंथ से भी कहाँ पे, वाटर में। दीज कैन बी प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड वॉल्स एंड वाटर सिस्टम। कहाँ पे होते हैं, कंटामिनेटेड वेल्स, कुएं में भी होती है, और जो हमारा वाटर सिस्टम होता है उसमें भी पाई जाती है, ठीक है। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रक्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड हैबिटाट है अपर पार्ट ऑफ जिजनम एंड ड्यूडेनम। मोरफोलॉजी, साइज ऑफ ट्रोफोसाइट इज 7 माइक्रोन ब्रॉड एंड 14 माइक्रोन लॉन्ग। मोरफोलॉजी में एक साइज है इसका 7 माइक्रोन और ये कितने लॉन्ग है, 14 माइक्रोन। देयर आर टू एक्सोस्ट्राइल्स, टू न्यूक्ले एंड फोर पेयर्स ऑफ जार्जिला। ट्रोफोसाइट्स अपीयर लाइक ए टेनिस रैकेट। जैसे ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो किस इनका जो स्ट्रक्चर वो कैसे नजर आता है हमारा, जैसे टेनिस होता है अपना। सिस्ट्स आर ओवल इन शेप। जो सिस्ट होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। ओवल शेप के होते कौन से होते हैं, एग्स की जो हमारी शेप होती है। एंड मेजर 7 माइक्रोन ब्रॉड एंड 12 माइक्रोन लॉन्ग। सिस्ट्स कंटेन 4 न्यूक्लियाई। ट्रांसमिशन इसका ट्रांजिशन ऑफ सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स। तो ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड, खा लिया हमने या फिर कोई ड्रिंक। लाइफ साइकिल है व्हेन द सिस्ट आर इंजेस्टेड बाय द होस्ट। जब सिस्ट इंजेक्शन जो हमारा इंजेस्ट जो होस्ट होता है उसके अंदर एंटर करती है। एक्सिटेड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस ट्रोफोसाइट्स। और वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे टेक प्लेस करती है हमारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, जहाँ पे वो हमारे जो जहाँ पर वो अपने ट्रोफोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है। आफ्टर द फीडिंग स्टेज, इसकी फीडिंग स्टेज के बाद जो ट्रोफोसाइट होते हैं अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी रेप्लिकेशन होते हैं थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। जो इसके ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो एसेक्सुअल रेप्लिकेशंस होती हैं, जो कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन से दो से चार, चार से आठ होते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ट्रोफोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू सिस्ट। जो हमारे ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो सिस्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। द रिजल्टिंग ट्रोफोसाइट एंड सिस्ट देन पास थ्रू द डाइजेस्टिव। जो ट्रोफोसाइट सिस्ट होते हैं वहाँ पे पास होते हैं फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन द फिकस, फिकस की हेल्प से। वाइल आर ट्रोफोसाइट में भी फाउंड इन द फिकस। जो ट्रोफोसाइट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, फिकस में। फिकस क्या होती है, जो हमारी स्टूल होती है। ओनली द सिस्ट आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट। जो हमारे सिस्ट होते हैं वहाँ पे वो सर्वाइविंग करने के लिए कहाँ पे जो हमारा होस्ट है उसके आउटसाइड में सर्वाइव कर पाते हैं। दिस सिस्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिग्रीज ऑफ हीट एंड कोल्ड। जो सिस्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती हैं वेरियस डिग्रीज को, जैसे हीट से और कोल्ड से। डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। दिस सिस्ट हैज़ 4 न्यूक्लियर एंड रेटिक्रेटेड साइटोप्लाज्म। जो सिस्ट होती है उसके 4 न्यूक्लियर और रेटिक्रेटेड साइटोप्लाज्म। वंस इंजेस्टेड बाय होस्ट द ट्रोफोसाइट्स इमर्जेंस टू एन एक्टिव स्टेट ऑफ फीडिंग एंड मोटिलिटी। जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो एक्टिव स्टेट में होते हैं, वो फीड करते हैं और मोटिलिटी करते हैं, मोटाइल करते हैं, मतलब तो मूवमेंट करते हैं। ये देखो, ये है इसका टेनिस लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके सक्कर हैं, ये इसकी न्यूक्लियाई है, ये मीडियन बॉडी है इसकी, ये एक्सोस्ट्राइल है इसका, ये फ्लैजेला है थ्रेड लाइक, ये इसकी सिस्ट है, ये फिर यंग सिस्ट हो जाती है जो, और ये कहाँ पे होता है, अटैच्ड इंटेस्टाइनल म्यूकस में। पैथोजेनेसिस क्या होता है, ट्रोफोसाइट्स ऑफ जियार्डिया लैम्बडिया एडियर टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ऑल्दो दे डू नॉट कोज इन्वेजियर ऑफ लोकली डिस्ट्रक्टिव अट्रैक्शन। कोलोनाइज ऑफ गट बाई ट्रोफोसाइट लीड्स टू लॉस ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स लीडिंग टू मेलोब्जॉर्प्शन सिम्टम्स। जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो जो हमारे जियार्डिया लैम्बडिया होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में,
जो क्या कहते हैं दे डू नॉट कोज इन्वेजर, ये क्या कोज नहीं करते इन्वेजर को, लोकेलेटेड रिडक्शंस को कोलोनाइज होते हैं उनकी गट बाय ट्रोफोसाइट लीड टू लॉस ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। क्लिनिकल फीचर्स इसका जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय जियार्डिया लैमेला व्हिच रेजराइज इन द ड्यूडेनम एंड अपर जियोजनम, कहाँ पे होते हैं ड्यूडेनम में और फिर अपर जियोजनम में। इट मे और मे नॉट कोज सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन, ये जो हमारा सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन उसको कोज कर भी सकती है और नहीं भी। व्हेन द सिस्ट आर इंजेस्टेड बाय होस्ट, जब सिस्ट जो हमारा होस्ट होता है जब वो सिस्ट से इंजेस्ट हो जाता है मतलब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या करता है एग्जोस्टेशन टेक प्लेस इन अ स्मॉल, जो ये टेक प्लेस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोड्यूस करता है फ्लैजेलेटेड जियार्डिया। इन अनफेवरेबल कंडीशन से स्टार फॉर्म, जो अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं हमारे सिस्ट बननी शुरू हो जाते हैं, सिस्ट पासिंग फिकस, जो हमारे सिस्ट होते हैं वो फिकस की हेल्प से पास हो जाती हैं। अबाउट 50% ऑफ द जियार्डिया इन्फेक्शन आर असिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड मलेशिया, नोजिया, ब्लोटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, स्ट्रेटिया एंड लॉस ऑफ वेट, पस, म्यूकस एंड ब्लड आर नॉट यूजली प्रेजेंट इन द स्टूल, सॉरी लॉस ऑफ वेट होने लगता है, पस और जो म्यूकस होती है वो यूजली प्रेजेंट नहीं होता है हमारे स्टूल में। और इनहेल्दी इंडिविजुअल जियार्डिया इज यूजली सेल्फ लिमिटिंग, द इन्फेक्शन कैन बी प्रोलोंग्ड इन पेशेंट वो आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वो हैव डिक्रीज गैस्ट्रिक एंड सिक्रीशन, ये उस पेशेंट को इन्फेक्शन करती है जो कि डिक्रीज गैस्ट्रिक, जिसको गैस्ट्रिक जो हमारा गैस्ट्रिक सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसका वो भी डिक्रीज होने लगता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सिस्ट, ये कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं इसके सिस्ट को ट्रोफोसाइट्स को। जियार्डिया एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एलाइजा टेस्ट बेस्ड ऑन PCR टेक्निक्स, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल कहाँ पे है, ये रही इसकी लाइफ साइकिल, ये इसकी सिस्ट है ट्रोफोसाइट्स है, ये कहाँ पे होती है, ये हमारे इंजेक्शन सिस्ट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड की हेल्प से, ये इसकी सिस्ट बन जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है जिसको हम ड्रिंक करते हैं वो कहाँ से गए हमारे सिस्टम की हेल्प से, वो हमारे स्टमक में गए, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फिकस की हेल्प से आउटसाइड हो गई, फिर इसकी छोटी छोटी ये ट्रोफोसाइट्स बन गया, ये सिस्ट तो हमारी मेच्योर होती है फिर ये ट्रोफोसाइट्स, सिस्ट ये ऐसे होते हैं और ट्रोफोसाइट्स ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। तो हमारा ये जो जियार्डिया लैमेला है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।